हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल पेट केयर से आपका बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, डॉग ने अगर रैट पॉइजन खा लिया है, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स में या फिर घर के डॉग ने खा लिया है, तो उसे हमें इमीडिएटली हमें क्या करवाना चाहिए, तो उसके बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये कैजुअलिटी कभी भी हमारे साथ होती है। तो हमें इसके लिए हमें घर में क्या क्या मेडिसिन यूज करवानी है और घर के घर में इमीडिएटली हमें फर्स्ट क्या करवानी है, ये वीडियो इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बने हमारे साथ लास्ट। तो फ्रेंड, जनरल देखिए, रैट पॉइजन जो होता है, यहाँ पर कभी कभी हम चूहे मारने की दवाई जो होती है हम घर में यूज करते हैं, या फिर कहीं समोसे में डलवा देते हैं, या फिर कुछ इसमें जो घर में आटा होता है आटा डाल के हम कहीं ना कहीं रख देते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पर हमारे घर के जो पेट है वो उसे खा लेते हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वहां पर उसे खा लेते हैं, क्या मरे हुए चूहे जो लोगों ने बाहर फेंक दिए होते वो खा लेते हैं, तो उस वजह से डॉग को यहाँ पर पॉइजनिंग होती है, रैट पॉइजनिंग। तो जनरल देखिए, रैट पॉइजनिंग जब भी होती है तो उसमें हिमोलाइसिस बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और इसमें किडनी बहुत ज्यादा डैमेज होती है, तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करवाना है। तो सबसे पहले आपके डॉग को जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको आपको पहले ओमेशन इंड्यूस करवाना है, ठीक है। तो जनरल जो भी पॉइजनिंग होती है उसमें क्या क्या करवाना है, इसके हमें सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाइए आप, ये इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है और ऊपर आई बटन में भी है, तो आप ये वहां जाके जरूर देख सकते हो। और स्पेशली रैट पॉइजन जब भी हो जाता है तो उसमें हमें एंटीकॉगुलेंट देना बहुत जरूरी होती है, ठीक है, ब्लीडिंग जो होती है बॉडी में, तो उसके लिए विटामिन के वन के इस तरह से इंजेक्शन आते हैं, आप ये यूज कर सकते हो, या फिर विटामिन के वन के यहाँ पर इसमें टेबलेट्स भी आते हैं, तो आपको डॉग को वो भी देना है। इसमें किडनी काफी डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो किडनी डैमेज के लिए हमें यहाँ पर गलिवर करके मेडिसिन आती है, यूटोकिड करके मेडिसिन आती है, या फिर यहाँ पर यूरोफिट करके भी मेडिसिन आती है, आप वो वहां पर यूज करिए। उसके बाद लीवर भी यहाँ पर डैमेज होता है, तो लीवर के लिए आपको लीवर टॉनिक यूज करवाना है, इसके लिए 52 आती है, इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो। देखिए, इसमें अगर ओमिशन बहुत ज्यादा होती है तो ओमिशन के लिए आपको एंटीमिटिक मेडिसिन यहाँ पर यूज करवानी है। डॉग को ट्रिमर अगर आ रहे हैं तो ट्रिमर के लिए भी इसमें मेडिसिन आती है, डॉक्टर यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से इंजेक्शन आते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या फिर आपको टैबलेट भी आती है गार्डियन करके, आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर डॉग को टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पायरेक्स बहुत ज्यादा है इसमें, तो आप टेम्परेचर कम करने के लिए इस तरह से मेडिसिन आते हैं मिलोस करके, आपको ये यूज करवानी चाहिए। अगर डॉग को हाइपर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए एनेक्सोकेयर करके टैबलेट आती है, ये टैबलेट यूज करें। तो ये सब कुछ प्रोटोकॉल यूज करने के बाद नियर अबाउट 7 to 8 days में आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो रैट की पॉइजनिंग जो होती है ये डिपेंड्स करती है कि इसमें डॉग ने कंजम्पशन कितना किया है, समझो इसका जो असर होता है ये 2 घंटे से लेकर 38 आवर तक डॉग में होता है, और धीरे धीरे सब सिस्टम शट डाउन होती जाती है, सभी ऑर्गन इसमें डैमेज होने चालू हो जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली अटेंशन करवाना है और ये फर्स्ट एड आपको यूज करवाना है डॉग के लिए। उसके बाद आप नियरेस्ट वेट के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए, नियरेस्ट वेट आपके डॉग को वहां पर जज करेंगे क्या पॉइजनिंग हुआ है, कैसे हुआ है, उस तरह से बाद में इसमें सलाइन चलेगी, इसकी मेडिसिन चलेगी, और 3 to 4 days में आपका डॉग इजीली जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड आपको ज्यादा देर इसमें राह नहीं देखनी है, आपके स्ट्रीट डॉग को रहे या फिर आपके घर के डॉग को रहे, ये मेडिसिन प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। नियरेस्ट वेट को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और इस तरह से प्रोटोकॉल करके आप जो भी पॉइजनिंग है रैट पॉइजनिंग, ये पूरी तरह से बॉडी में से फ्लश आउट हो जाए। सो फ्रेंड, रैट पॉइजनिंग में ट्रीटमेंट कौन सा कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है हमें डॉग को यहाँ पर ओमिशन इंड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। हमें डॉग को बाहर जो भी खाया है उसके लिए आप यहाँ पर कॉमन सॉल्ट यूज कीजिए, यहाँ पर आपको 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपको कॉमन सॉल्ट डालना है और इमीडिएटली डॉग को वापर पिला देना है, तो इससे पेट में इरिटेशन होकर जो भी अंदर का कंटेंट हो बाहर निकल आएगी। अदरवाइज सेकंड जो चीज होती है यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, ठीक है, तो आप वहां पर 1 to 2 टेबल स्पून आप 1 कप पानी में डालिए और डॉग को फोर्सफुली जरूर पिलाइए, तो इसमें भी गट में इरिटेशन होकर जो भी अंदर में जो भी कंटेंट है पॉइजन वाला वो बाहर ओमिशन होकर बाहर फेंकने के लिए कोशिश करेगा। तीसरी जो चीज है, इसमें डॉग काफी लिथार्जिक हो जाती है, तो इसमें पॉइजन अगर हो जाती है तो हमें यहाँ पर डॉग में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करवाना है, ठीक है। आप एक तो डेक्सामेथासोन इस तरह से इंजेक्शन आते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है वो वहां पर आप लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें हमें हिमेटोनिक यूज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाइटामिन के इंजेक्शन आते हैं, ये आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, इस तरह से टेबलेट्स भी आती है, तो आप डॉग को मॉर्निंग इवनिंग ये भी दे सकते हो। उसके बाद विटामिन D3 इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो विटामिन D3 की टैबलेट आती है, ये भी यूज कीजिए ताकि पॉइजन का जो भी रोल है इसमें काफी कम हो जाएगा। एंटीकॉगुलेंट आपको जैसे बताया है, इसमें साइलेंट करके इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी आप इसमें डॉग में यूज कर सकते हो। उसके बाद पॉइजनिंग जो भी बॉडी में गया है वो कम करने के लिए आप एक तो बॉयल यूज सकते हो, एग वाइट आप यूज करवा सकते हो, तो आप इस तरह से तो वो आप खिलाइए, उसमें पॉइजन भी कम हो जाता है, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल की टेबलेट्स आती है, इस तरह से एक्टिवेटेड चारकोल की
टेबलेट्स आती है, ये टेबलेट जब भी बॉडी में जाती है तो पॉइजन एब्जॉर्ब कर जाती है और स्टूल में से ये जब बाहर निकल जाता है तो पॉइजन लेके बाहर निकल जाता है। तो एक्टिवेट चारकोल जो है आपको इसका जेल भी आता है या फिर इसकी टेबलेट्स भी आती है, तो ये हमें नियर अबाउट 1 वीक तक टोटल करवाना है ताकि बॉडी में से धीरे धीरे जो भी है पूरा पॉइजन फ्लश हो। और फ्रेंड इसकी रिकवरी जो होती है नियर अबाउट 1 वीक तो इसके लिए लगता है। तो फ्रेंड्स आपको जो भी हमने प्रोटोकॉल बताया ये स्पेशली रेड पॉइजन में स्ट्रीट डॉग के लिए या फिर घर के डॉग के लिए आप यूज कीजिए, आपका डॉग जल्दी ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑनलाइन कंसल्टेंट प्रोवाइड करते थे, अगर आपके डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही तो हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद हमें यहाँ पे वीडियो भेजिए फोटो भेजिए, उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कंसल्टेशन कॉल बुक होने के बाद आपको इस तरह QR कोड आएगा, तो ये QR कोड स्कैन करके आपके हमारे यहाँ पर छोटी सी कंसल्टेशन फीस आपको वहाँ पर पेड करानी, उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन में होगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप सॉल्व कर देंगे, और इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद ये मेडिसिन यूज करने के बाद आपके डॉग की जो भी रिकवरी ये बहुत ही फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपकी छोटी मोटी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम इसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो और ऑनलाइन कंसल्टेशन नीचे दिए नंबर पर जरूर टाइप कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।